बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन। और मैं हूँ अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में बदल दे, इलाही आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी की खिदमत वापस लेने के लिए निगम वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा। ईवान सदर के अकाउंट से की गई ट्वीट के मुताबिक कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ईवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमत की मजीद जरूरत नहीं, इनकी खिदमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। ईवान सदर ने खत में कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वें ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सेक्रेटरी वकार अहमद का इंकशाफ अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए हकायक मंजर आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। वकार अहमद ने खत में लिखा, सदर ने दोनों बिलों की तौसी की, ना बिल्स वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। मीडिया और आवाम को जारी किए गए बयान से तासुर मिला कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलों के हवाले से बाज़ाब्ती के जिम्मेदार हैं। आप दोनों बिलों से मुतालिक आगाह से हकायक से आगाह हैं। हकीकत यह है कि किसी भी ताखीर या सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि FIA से इंक्वायरी कराएँ और जिम्मेदार का तयन हो सके। दरख्वास्त है कि मेरी खदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सुपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। आपको बता रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी हुक्म जारी नहीं किया। सेक्रेटरी वकार अहमद का इंकशाफ अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए हकायक मंजरियाम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। वकार अहमद ने खत में लिखा, सदर ने दोनों बिलों की तौसी की, ना बिल्स वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल्स आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। मीडिया और आवाम को जारी किए गए बयान से तासुर मिला कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलों के हवाले से बेजाबकी के जिम्मेदार हैं। आप दोनों बिलों से मुतालिक हकायक से आगाह हैं। हकीकत यह है कि किसी भी ताखीर या सदर के अहकाम को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा जड़ावाला, मसीही मुतासरीन से मुलाकात, वाकये पर दुख और अफसोस का इजहार किया। अनवारुल्लाह काकड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। ये इंसानी रवैया है जो शैतान की तरह रूप धारता है। सानिया जड़ावाला मौशे में मौजूद एक मर्ज की निशानदही कर रहा है। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। क्रिश्चियन बरादरी का तहफ़ उम्मत मोहम्मदी पर फ़र्ज है। अकलियतों के तहफ़ की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बनाने में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया, अकलियतों के हकूक पर समझौता नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक है, न किसी दीन से ताल्लुक है, न किसी नस्ल से ताल्लुक है, न किसी जबान से ताल्लुक है। ये एक इंसानी रवैया है और ये शैतान की तरह मुख्तलिफ रूप धारता है और कैंसर की तरह सराहत करता है माशरे में। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, कि उन्होंने उनका तहफ्फुज करना है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया आर्मी चीफ ने के माइनॉरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ये अशोर कराना चाहता हूँ कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो MD हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जानो माल पे कोई भी शख्स, कोई भी ग्रोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सानिहा जड़ावाला के मुतासरीन में इमदादी रुकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ा सानिहा है।
निगरान विफाक की हुकूमत ने सानहे में मुलविस शरपसंद अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का आज़म जाहिर किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस ने वाकई के मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जबकि दीगर मुलजमान की वीडियोज़ के जरिए तलाश जारी है। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि नजरें आतिश किए गए गिरजाघरों को हफ्तों में नहीं दिनों में पहले से बेहतर हालत में बहाल करें, मुतासर खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी और एक भी मुतासर घर की माली इमदाद नहीं रुकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसीही बरदरी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है और जल्द आप लोग ये इंसाफ देखेंगे। पिशावर में मुख्तलिफ मसाले के रहनुमाओं ने अखूनजादा मुजफ्फर की क्यादत में सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। वफ्द के शुरका ने सानिया जड़ावाला की मजम्मत की और मसीही बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। वफ्द में शामिल तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने शिद्दत पसंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि सानिहा जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शहर की तारीखी मस्जिद महाबत खान के पेशे इमाम और चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी ने भी चर्च का दौरा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जड़ावाला का दौरा किया, मसीही बरादरी से मुलाकात और नुकसानात का जायजा लिया। सिराजुल हक ने मुतासरीन को घर बनाकर देने की यकीन दहानी कराते हुए अल खिदमत फाउंडेशन को मुतासरा घरों की असरे नौ तामीर की हिदायत जारी कर दी। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि मुतासरीन को बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। रोजगार नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों का एहतमाम और आपके घरों की दोबारा तामीर और रेनोवेशन इंशाल्लाह ताला ये हम करेंगे। हम सारी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है। हमने अल खिदमत फाउंडेशन से मशवरा किया है, उनको एडवाइस दी है कि उनकी मुरम्मत में भी वो हिस्सा ले। यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। भारतीय आबी दहशतगर्दी से तबाही का सिलसिला थम न सका। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस मुतादद देहात जेरे आब आ गए, सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें भी तबाह हो गईं। भारत से दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले की आमद से मुतादद बंद टूट चुके कई देहात का आपस में जमीनी राबता मुनकता हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। बाबा फरीद पुल, मोजा बबलाना, फैरोजपुर चिश्तियाँ, पीरगनी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। शाहू बलोच, बाकर की माड़ियाना, कोटबख्शा, भीने, नूरजहानिया और दीगर इलाके सैलाब की जद में सैकड़ों एकड़ एराजी एक बार फिर से जेरे आब आ गयी। आरिफ आला में सैलाबी सूरत हाल के पेशे नजर मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल्स ना खुल सके। सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां ताहुक्मे सानी मौतल रहेंगी। बंद होने वाले स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं। बंद होने वाले स्कूल्स में टबीलाल पेक, नोरार, जलाल जम्मू, माधो फेरोजका और सालमरत शामिल हैं। सतलुज में हट सुलेमानकी के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। इस वक्त पानी की आमद 1,44,135 क्यूसेक है। कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की जबरदस्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। हजारों मुतासरा खानदानों में 16 टन मुफ्त राशन तकसीम किया जा चुका। राशन पैक्स में आटा, दाल, चावल, घी और दूध समेत जरूरी अशियाए खुरनोश शामिल है। इमदादी कार्रवाइयां सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने और मामूलाते जिंदगी बहाल होने तक जारी रहेंगी। भारत से आने वाले खतरनाक सैलाबी रैले ने पाकपतन शरीफ में तबाही मचा दी। तहसील लारिफवाला में दाखिल चक्री मोमे का बंद भी टूट गया। अहले इलाका ने महफूज मकामात की जानिब दखल मकानी शुरू कर दी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नजीर अहमद खरल से। जी नजीर बताइएगा। जी बिल्कुल, इंडिया ने जो 3.25 लाख का सैलाबी खतरनाक रेला छोड़ा है उसने तबाहियां मचा दी हैं। इस वक्त हेड सुलेमानकी पर 2.25 लाख का रेला गुजर रहा है। तहसील पाकपतन के बाद तहसील आरेवाला में उन्होंने तबाहियां इस रेले ने मचा दी हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि चक्री मोमे का बांध टूट गया जिसकी वजह से सालमरात, कोंडे, शम्मासदीन, बिलाड़ी, कसूरी अब मुतद्दद इलाके जेरे आब आ गए हैं। एक अफसोसनाक खबर भी है कि एक शख्स की मौत आई है जो चक मोमे का पहले ही सिलाबी इलाका है जहां पर पहला ही रेला आया था, वो उस दिन से पानी खुश्क नहीं हुआ तो रेस्क्यू 112 की टीमों ने वो लाश निकाल कर वर्षा के हवाले कर दिए। अगर बात करूं इंतजामिया की तो इधर खौफ और हरास का आलम है। आवाम नकल मकानी कर रही है लेकिन बाहर कोई कैंप नहीं लगे, उनके जानवरों के लिए कोई खुराक का बंदोबस्त नहीं है। खौफ और हरास का आलम है, बच्चे बूढ़े सब उन्हें अद्वियात और खुराक की अशा जरूरत है और उनके जानवर खासतौर पर वो भूखे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा।
तो अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी इस इलाके को आफत जदा करार देकर। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद अपडेट करने के लिए। दरियाए सतलुज में पाक पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला भी जारी है। ज़िला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठा रही है और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन की रिहाइश के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से ज़िला भर में 6 खैमा बस्तियाँ भी कायम कर दी गई हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए पीर गनी, मलिक बहावल, मलिका तारो, नुरारथ और टिबी लाल बेग और दीगर इलाकों में भी खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की आगाही से दो तरफा या कसीर अलफरीकी मुआहदा या फैसले के तहत इकदाम कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। निगरान हुकूमतें जारी मुआहदों पर भी इकदाम कर सकेंगी। इलेक्शन कमीशन से जारी बयान के मुताबिक निगरान हुकूमत इलेक्शंस पर किसी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट, मैनल हुकूमती कमर्शल ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर इकदाम की इजाज़त होगी। निगरान हुकूमतें निजकारी कमीशन ऑर्डीनेंस के तहत जारी माहिदों मंसूबों पर फैसला कर सकेंगी। गुज़श्ता हुकूमत ने निगरान हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफा किया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने तमाम विंग्स को आम इंतखाबात की तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तैयारियों के जायजे के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे सदारत आला सतह के निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तमाम विंग्स को आम इंतखाबात की तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा। मुतालिका इदारों से रवाबित और इंतखाबी सामान की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और महकमा शुमारियात से नक्शा जात और डेटा की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तैयारियों के जायजे के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत आला सतह की निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। निगरानी कमेटी तमाम उमूर और तैयारियों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मिलत जाफरिया के बुजुर्ग जैयद उलमाएदीन मुज्तहिद मुफस्सर कुरान अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में उलमाए कराम जाकरीन समेत शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। अलामा मोहम्मद हुसैन नजफी ने मदरसा सुल्तानुल मदारिस अल इस्लामिया और जामिया इल्मिया कीला बनी हाशिम की बुनियाद रखी। कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी और अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी समेत दीगर उलमा कराम ने अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। मिल्लत जाफरिया के बुजुर्ग जैयद आलम दीन मुफस्सिर कुरान अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी मनो मिट्टी तले जा सोए। उनकी नमाज जनाजा सरगोदा में अदा की गई जिसमें उलमा कराम जाकिरीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इक्कीस अगस्त 2023 को खालिक के हकीकी से जा मिलने वाले आयतुल्ला अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी की उम्र 91 बरस और इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी कदीम तालीमी दरसगाह सुल्तान अल मदरसा सरगोदा के बानी और प्रिंसिपल थे। बुजुर्ग आलम दीन आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन नजफी तमाम उम्र दीन की इशात तरवीज में मशगूल रहे। वो दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ भी थे। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अल नकवी ने बुजुर्ग आलम दीन आयतुल्ला अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी की रहलत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन नजफी तमाम उम्र दीन की इशात तरवीज में मशगूल रहे। उनकी खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने भी आयतुल्ला अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि मिल्लत इस्लामिया एक इल्मी शख्सियत से महरूम हो गई। अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी, आयतुल्ला हाफिज रियाज हुसैन, मरकजी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल अल्लामा शबीर हसन मेसमी और अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने भी अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब जूते का गोदाम गिर गया। इमारत में जूते की दुकानें भी मौजूद थी। अतराफ में इमारत का तामीराती काम भी जारी था। इब्तदाई तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से, जी अपडेट कीजिएगा। जो बिल्कुल कराची का इलाका है सिंधी होटल, जहां पर जूतों का कारखाना बताया जाता था,
जो जिसकी जो है पूरी छत जो है एक हिस्सा बताया जाता था, लेकिन एक हिस्सा गिरने के बाद जो है पूरी छत जो है मिट्टी में मिल चुकी है। मैं इस वक्त जायका में भी मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फिलहाल आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर एक प्लाट तामीर हो रहा है, इस प्लाट की काफ़ी बड़ी जो है खुदाई होती हुई नज़र आ रही है। इस प्लाट की खुदाई के बावजूद जो है जिसके बाद ये मकान या जो ये कारखाना मौजूद था जूतों का, इसकी दीवारें इसकी बुनियाद मुतासर हुई। मुतासर होने के बाद जो है ये जो छत थी ग्राउंड प्लस वन पर यह तामीर जो एक कारखाना था जो इस वक्त जो है ज़मीन बोझ हो चुका है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं बताया जाता, लेकिन माली नुकसान काफ़ी तक हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी कारखाने के मालिकान से भी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर अब तक जो ये बिल्डर काम कर रहे हैं यहाँ पर हाई कमर्शियल काम जो कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक जो है हमसे ना तो कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है ना ही कोई मुलाकात करी। इस वक्त जो है जानी नुकसान तो नहीं है, लेकिन माली नुकसान के बावजूद जो है ये हाई काम जो हो रहा था यहाँ पर काफ़ी गहरा खड्डा बताया जाता है, ये कम से कम जो है 6 से 7 फीट ये खड्डा खोदा जा रहा था, जिसके बाद जो है इसकी दीवार बराबर में कारखाने की दीवार के साथ मौजूद थी, जिससे बुनियाद कमज़ोर होने के बाद जो है ये पूरा का पूरा कारखाना जो है ज़मीन बोस हो गया। इस वक्त भी जो है गली के अंदर जो है ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, इलाका मकिन यहाँ पर मौजूद हैं, कारोबारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिंधी होटल की जगह बताई जाती है, यहाँ पर काफ़ी दरसाराश लोग जो हैं रिहाइश पसीर भी हैं और अपना कारोबार भी चला रहे हैं यहाँ पर। अभी भी उनका यही कहना है कि अब तक किसी ने ना तो कांटेक्ट करने की कोशिश करी है ना ही सिंध बिल्डिंग।